नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 60 घंटे बाकी हैं और 60 घंटों बाद पुतिन कुछ ऐसा ऐलान कर सकते हैं जिसके बाद यूक्रेन में चल रही जंग 5 गुना ज्यादा तेज हो सकती है या फिर एक नया युद्ध शुरू हो सकता है। कच्चा चिट्ठा में आज व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की की फाइटिंग स्पिरिट की बात भी करेंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की के लड़ाकों ने कह दिया है कि वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे लेकिन हथियार नहीं डालेंगे। जबकि तीसरी खबर में आपको ज़ेलेंस्की की वो फोर्स दिखाएंगे जिसके आगे रूस के कई कमांडर न सिर्फ फेल हो गए बल्कि पुतिन के कई जनरलों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। लेकिन सबसे पहले देखिए 60 घंटों बाद क्या ज़ेलेंस्की सरेंडर करेंगे या वो पुतिन से समझौता कर लेंगे। हुर्रा! जब रूस की राजधानी मॉस्को में दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड शुरू होगी, जब रशियन फौज की धमक यूक्रेन के साथ दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी, जब रूस के सुपरसोनिक न्यूक्लियर बॉम्बर मॉस्को के आसमान में अपनी रेंज का ट्रेलर दिखाएंगे, जब रूस का परमाणु बम रेड स्क्वायर पर परेड में शामिल होकर ब्रिटेन और अमेरिका को डराएगा, जब पुतिन की परेड से ऐसी ऐसी खतरनाक तस्वीरें आएंगी कि यूरोप पूरी तरह बदल जाएगा, या उसे बदलने की तैयारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पुतिन का भाषण नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रख देगा। आखिर ज़ेलेंस्की 9 मई से क्यों डरे हुए हैं? ज़ेलेंस्की के पास 9 मई को लेकर क्या क्या ऑप्शन हैं? ज़ेलेंस्की ऑप्शन 1 से लेकर ऑप्शन 5 तक किस विकल्प को चुनना बेहतर समझेंगे? क्या इन सभी ऑप्शन में यूक्रेन के साथ उनके खुद बचने के भी चांस है? 9 मई की रशियन परेड को लेकर बहुत ज्यादा डर बना हुआ है। ज़ेलेंस्की की कैपिटल क्यू से लेकर ब्रिटेन की राजधानी लंदन और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी तक सिर्फ यही सवाल किया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन आखिर यूक्रेन के साथ क्या करने वाले हैं? आखिर 9 मई को मॉस्को में नेटो को डराने वाली मिलिट्री परेड में वो क्या भाषण देने वाले हैं? इस वक्त ज़ेलेंस्की के दिमाग को समझना बहुत जरूरी है। रूस की परेड को लेकर अगर उनकी ब्रेन मैपिंग की जाए तो रिपोर्ट में बहुत बड़े खौफ की तरफ इशारा देखने को मिलेगा। ज़ेलेंस्की के दिमाग में इस वक्त 3 शब्द घूम रहे हैं, 9 मई, व्लादिमीर पुतिन और रूस की फौज। Кожен з таких прильотів – це загибель наших людей, це руйнування нашої інфраструктури. Якщо взяти тільки медичну інфраструктуру, то на сьогодні російські війська знищили або... जाहिर है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ज़ेलेंस्की इस वक्त क्यू में ही हैं, लेकिन रूस ने अब भी ज़ेलेंस्की को टारगेट बनाकर कोई बड़ा हमला नहीं किया, जबकि पुतिन चाहते
तो उनके एक ऑर्डर पर रशियन एयरफोर्स के फाइटर जेट इस शहर और ज़ेलेंस्की की संभावित लोकेशन पर बड़े बड़े हमले कर चुके होते। पुतिन चाहते तो कीव का हाल भी मारियापुल जैसा कर देते, वो चाहते तो कीव को भी उसी तरीके से तबाह करते जैसे उनकी फौज ने मारियापुल को किया। वो चाहते तो उनके लिए आसान था और उनकी फौज के लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन पुतिन ने ऐसा फैसला नहीं लिया। लेकिन 9 मई की सुबह पुतिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, ऐसा फैसला जो ज़ेलेंस्की की मुसीबत कई गुना बढ़ा देगा। पुतिन इस वक्त यूक्रेन में अमेरिका के दखल से बहुत गुस्सा हैं। वो अमेरिका और ब्रिटेन के दखल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप उनके विदेश मंत्री की बात सुनेंगे तो पता चलेगा कि पुतिन 9 मई को क्या बताने वाले हैं। आपको पुतिन के असली इरादों का हल्का हल्का अंदाजा इससे मिल जाएगा। карте действительно будущее мира, на карте то, каким этот мир будет. Однополярным, под полным командованием Соединенных Штатов, как этого хочет Вашингтон, а как с этим уже смирились все остальные западные страны. एक नजर देखिए कि पुतिन क्या ऐलान कर सकते हैं और फिर दिखाएंगे कि पुतिन और उनकी 9 मई वाली मिलिट्री परेड को लेकर ज़ेलेंस्की के माइंड में क्या चल रहा है। पहले देखिए पुतिन 9 मई को अपना कौन सा रूप दिखा सकते हैं। क्या पुतिन यूक्रेन के दो और टुकड़े कर देंगे? क्या पुतिन क्राइमिया की तरह डॉनबास रीजन को अब रूस में मिलाने का इरादा सबको बताएंगे? क्या पुतिन यूक्रेन के साथ किसी और जंग का ऐलान करेंगे? Окупанти збирають ще додаткові сили для нових атак проти наших військових на сході держави. Нагнали підкріплення на Харківщину. Пробують посилити тиск на Донбасі. ज़ेलेंस्की का दिमाग इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाले हालात से गुजर रहा है। 24 फरवरी के बाद से ज़ेलेंस्की का दिमाग 5 गुना तेजी से काम कर रहा है। ज़ेलेंस्की की ब्रेन मैपिंग में एक ऐसे लीडर की मनस्थिति पता चलती है जो रूस जैसे सुपर पावर और पुतिन के गुस्से के आगे इस जंग में घिरा हुआ है, लेकिन अब तक टिका भी हुआ है। ज़ेलेंस्की एक वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं और पश्चिमी देशों में उनकी तारीफ हो रही है, लेकिन जमीन पर हालात फिर भी यूक्रेन के हिसाब से बहुत कमजोर है। यहाँ यूक्रेन में एक कोना नहीं बचा है जहाँ युद्ध का निशान ना मिले, जहाँ पर तबाही ना हुई हो। लेकिन यूक्रेन के साथ रूस ने भी इस जंग में बहुत कुछ खोया है और ये बात ज़ेलेंस्की बार बार पुतिन को याद दिला रहे हैं। जाहिर है पुतिन को ये बातें बर्दाश्त नहीं होंगी कि 9 मई से पहले ज़ेलेंस्की के तेवर ढीले होने की बजाय सख्त होते जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की के सामने अब विकल्प क्या है, आप जरा इसे डिटेल में समझिए। 9 मई को लेकर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का विकल्प नंबर 1 देखिए, जो यूक्रेन का सबसे बड़ा डर है। ज़ेलेंस्की को लगता है कि पुतिन 9 मई को यूक्रेन के दो और टुकड़ों का औपचारिक ऐलान कर देंगे और फिर डॉनबास में लुहांस्क और डोनेस्क को रूस में शामिल करने की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी, जैसा कि रूस ने 2014 में क्राइमिया में किया था। ऐसे में क्या ज़ेलेंस्की डॉनबास को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे या उसे खामोशी से रूस के हवाले कर देंगे? अब देखिए कि 9 मई को लेकर पुतिन के ऐलान के बाद ज़ेलेंस्की का विकल्प नंबर 2 क्या है। पुतिन ज़ेलेंस्की को फिर से सरेंडर के लिए बोल सकते हैं। ऐसे में रूस के दमखम के आगे क्या ज़ेलेंस्की सरेंडर कर देंगे और यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ हो जाएगा? साथ ही यूक्रेन डॉनबास से सेना पीछे हटाने के साथ रूस के समर्थन वाली सरकार का रास्ता साफ कर देगा। 9 मई को लेकर ज़ेलेंस्की का विकल्प नंबर 3 क्या हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने अभी तक बहादुरी दिखाई और नेटो से मदद मिलने के साथ ही उन्होंने अपने ऑपरेशन रूस के खिलाफ तेज भी किए हैं। क्या ऐसा वो आगे भी जारी रखेंगे? 9 मई को मॉस्को में परेड के साथ ये एक ऐसा विकल्प है जिस पर उनका भरोसा अब भी कायम नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस अब तक 23,000 से ज्यादा सैनिकों को युद्ध में खो चुका है। Российское командование прекрасно понимает, что еще тысячи
российских солдат будут убиты и тысячи будут ранены в ближайшие недели. Но зачем это самим российским солдатам? Зачем это их родным? Российские командиры врут своим солдатам, когда говорят, что тех ждет какая-то там серьезная ответственность за отказ воевать. И при этом не рассказывают, например, о подготовке российской армии дополнительных рефрижераторов для хранения труп. Зеленский की ये बातें पुतिन के गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा देंगी. आखिर Зеленский इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? लेकिन अब 9 मई को लेकर Зеленский का विकल्प नंबर 4 देखिए, जो रूस को हैरान कर सकता है. यूक्रेन में रूस के हमले कई शहरों पर जारी हैं. क्यू को छोड़ दें तो पूर्वी यूक्रेन में कोई शहर ऐसा नहीं है जहां रूसी सेना ने अटैक न किया हो. हेलीकॉप्टर से लेकर फाइटर बॉम्बर से हमले हो रहे हैं. रूस मिसाइल भी बराबर दाग रहा है. Зеленский का दावा है कि रूस अब तक यूक्रेन पर 2000 से ज्यादा मिसाइल दाग चुका है. Зеленский का दावा है कि यूक्रेन के आसमान में रूसी विमानों ने 2500 से भी ज्यादा उड़ानें भरी हैं. जाहिर है ये उड़ानें यूक्रेन पर हमला करने के इरादे से भी थी और अब भी जारी है. रूस के इस कैमो 52 हेलीकॉप्टर को देखिए, जो यूक्रेन के खिलाफ रशियन कॉम्बैट एविएशन का सूत्रधार बन चुका है. За час цієї війни російська армія використала проти України вже 2014 ракет. Зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків у нашому небі. Кожен з таких прильотів – це загибель. Ese mein 9 mai ko lekar halat ye hain ki intelligence agency qiyas aise bhi laga rahi hain कि अगर रूस ने क्यू पर हमले फिर से शुरू किए और Зеленский को निशाना बनाने की कोशिश हुई तो उससे पहले Зеленский यूक्रेन छोड़कर यूरोप के किसी देश में पनाह ले सकते हैं. लेकिन Зеленский ने अभी तक रूस का बहादुरी से सामना किया है. 9 मई को लेकर Зеленский का विकल्प नंबर 5 देखिए, जो Зеленский का आखिरी विकल्प साबित हो सकता है. पुतिन के गुस्से को देखकर क्या Зеленский पुतिन के साथ समझौता भी कर सकते हैं? कोई ऐसा बीच का रास्ता जिससे रूस का सामरिक हित भी बचा रहे और Зеленский की सत्ता भी, साथ ही यूक्रेन के टुकड़े होने से भी बच जाएं और युद्ध जिस तेजी से शुरू हुआ था उसी तेजी के साथ खत्म भी हो जाए. Зеленский यूक्रेन को दोबारा बनाने की बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा है कि रूस के हमलों में जो तबाही हुई है उसे ठीक करने के लिए 600 बिलियन डॉलर की मदद चाहिए. आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इससे ज्यादा तो अमेरिका का सालाना रक्षा बजट होता है. लेकिन अभी युद्ध की जो तेजी है उससे इसके चांस बहुत कम है कि कोई समझौता होगा. Зеленский का जोश अब भी बहुत हाई है, फिर चाहे वो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की मदद की वजह से ही क्यों ना हो. ये जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन का ही साथ है जिसकी वजह से Зеленский के हौसले भी बुलंद हैं. यूक्रेन को ब्रिटेन और अमेरिका से अरबों डॉलर के हथियार मिल चुके हैं. कई और हथियार भी Зеленский की फौज को मिलने वाले हैं. ये ऐसे हथियार हैं जिन्होंने कई मोर्चों पर रूस की फौज की कमर तोड़ कर रख दी है. ये ऐसे हथियार हैं जिसकी वजह से रूस ने क्यू से पीछे हटने का फैसला किया. ये वो हथियार हैं जिनकी वजह से रूस के टैंकों की बढ़त रुक गई, वो प्लास्टिक के खिलौने की तरह उड़ा दिए गए. ये वो हथियार हैं जिनके रूस में सुपरसोनिक फाइटर जेट्स का हशर भी एक कटी पतंग की तरह हुआ. रूस के हेलीकॉप्टर तो अमेरिकी मिसाइलों से ऐसे गिराए गए कि उनकी तस्वीरों ने Зеленский की फौज को यकीन दिला दिया कि वो रूस के खिलाफ जीत सकते हैं. Наші захисники знищили вже більше тисячі російських танків, майже 200 російських літаків, майже 2,5 тисячі броньованих бойових машин. Звісно, в окупантів ще є техніка у запасу. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій землі. Але ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві. Зеленський साफ साफ कह रहे हैं, या यूं कहें कि पुतिन को चढ़ा रहे हैं कि उनकी फौज अब किसी काम की नहीं बची. वो 9 मई की परेड पर एक तरह से हंस भी रहे हैं और रूस को चढ़ा भी रहे हैं. लेकिन साथ ही उनके जहन में पुतिन का भाषण भी है जिसके बारे में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं
कि 9 मई को पुतिन एक नए युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। जैसे जैसे 9 मई की तारीख करीब आ रही है, नेटो की आशंका भी बढ़ रही है, क्योंकि यूक्रेन के बाद अगर किसी जंग का ऐलान हुआ तो उसमें पुतिन का रुख यूरोप की तरफ ही होगा, और तब जद में वो देश आएंगे जो या तो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं या फिर नेटो के और करीब जा रहे हैं। इसीलिए पुतिन को हल्के में लेना बहुत से देशों के हक में नहीं होगा। नौ मई के पहले रूस की सेना का मारियुपोल पर पूरी तरह से कब्जे की प्लानिंग है, लेकिन इस मारियुपोल की तबाही से जेलेंस्की को मात देने में पुतिन कैसे कामयाब होंगे ये समझना है तो जेलेंस्की की इकोनॉमी वाली ताकत को समझना होगा, जो अजोवस्ताल के स्टील प्लांट में है, जो मारियुपोल के बंदरगाह में है। पुतिन की सेना अजोवस्ताल तबाह कर चुकी है और अब मारियुपोल पर 100% कब्जे के लिए पुतिन की सेना बम और बारूद बरसा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए जेलेंस्की को आर्थिक रूप से तबाह करने वाली पुतिन की प्लानिंग है क्या। दनाते हुए टैंक अपने टारगेट को तबाह और बर्बाद करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक के बाद एक, ये देखिए यह अकेला टैंक भारी गोला बारूद से लैस कैसे मूव कर रहा है। लक्ष्य बिल्कुल साफ, दुश्मन को मटिया मीट कर देना। И все, это все происходило, перемирие, тишина. Ирада бильфул клир. Расте ме чо миле, нест набуд кар дена. Здесь вот, вот 5 метров от нас, там 10, там все заменили. Е деки, пехла тамака. Дусра тамака. तीसरा धमाका, और सब कुछ धुआं धुआं। Мы ребят фланом прикрываем, ведем огонь по засале, если какие-то есть передвижения. Дневное время, ночное время. दूर दूर तक गोले से निकली बारूदी आवाज। अजोवस्ताल पूरी तरह लहूलुहान, चारों ओर सिर्फ मातम का मंजर। ना अब तक देखा था ना अब तक सुना था, जंग की ऐसी दास्तां जो सदियों अजोवस्ताल के बाशिंदे सुनाते रहेंगे। अजोवस्ताल की लड़ाई की ये तस्वीरें आज या सिर्फ कल की नहीं हैं, हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर गया, अजोवस्ताल जल रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है स्टील प्लांट की, जी उस स्टील प्लांट की जो यूक्रेन की आर्थिक ताकत का अटूट हिस्सा है, लेकिन अब टूट टूट कर बिखर रहा है। पुतिन के सैनिकों, डोनेट्स्क, लुहांस्क के लड़ाकों ने अजोवस्ताल को इस हाल में पहुंचा दिया है कि जगह वीरान हो गई है। शहर के लोग सांसों की पनाह मांगते शहर से कूच कर रहे हैं। जहां कुछ नहीं बचा वहां जिंदगी कटेगी भी तो कैसे। यूक्रेन पहले ईंट दर ईंट बिखर रहा था, अब दीवार दर दीवार ढह रहा है। बरसों के बनाए आशियाने, जिंदगी की गाड़ी को खींचने के ठिकाने सब कुछ स्वाहा हो चुके हैं। लेकिन सुनिए उस यूक्रेन के कमांडर को, जो अजोवस्ताल की तबाही पर सिर्फ आंसू बहाकर खामोश हो जाने वाला नहीं है। Слава Україні! Уже третю добу, як ворог прорвався на територію заводу «Азовсталь», де тривають важкі кровопролитні бої. Оборонці міста вже 71 день б'ються сам на сам з переважаючими силами противника. Та чорт забирай, проявляють таку витримку і героїзм, що Україна повинна знати, що означає бути вірним батьківщині. В черговий раз
Росіяни порушили обіцянку щодо перемир'я та не дали можливість на евакуацію цивільних осіб, які продовжують ховатися від обстрілів у підвалах заводу. Закликаю світову спільноту евакуювати цивільних та особисто звертаюсь до Верховного Головнокомандувача. यही वो हौसला है, यही वो जज्बा है, यही वो अंदर की ताकत है, जिसके दम पर यूक्रेन की मुट्ठी भर सेना अपने से कई गुना शक्तिशाली फौज से लोहा ले रही है, बर्बादी के बीच फिर से बसर का ठिकाना ढूंढ रही है, शमशान में तब्दील मारियुपोल में उम्मीद की नई किरण तलाश रही है। कमांडर इन चीफ ज़ेलेंस्की ऐसे ही रणबांकुरों की बदौलत पुतिन को पीठ दिखाने के बदले जंग में दो-दो हाथ कर रहे हैं। Полові будинки, амбулаторії тощо. В тимчасово окупованих районах України на сході і на півдні просто катастрофічна ситуація з доступом до медичних послуг і ліків. Не вистачає навіть найпростіших препаратів. Росія принесла в Україну, в Європу такі проблеми, які ми уявити не могли ще кілька місяців тому. Це фактично повна відсутність лікування для хворих на рак. Це вкрай ускладнений чи повністю відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет. Це неможливість провести хірургічні операції. Це навіть просто нестача антибіотиків. Наразі російські обстріли і штурм Азовсталі не припиняються, але ще потрібно... Азовсталь усі Маріуполь ка хіса хе, джахан пулий джанг ор тіз хо гей хе. इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि रूस जल्दी ही शहर में मौजूद अंतिम यूक्रेनी मोर्चे को जीतकर देश के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह पर कब्जा करना चाहता है। मारियुपोल में जंग तेज होने की वजह के पीछे संदेह जताया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 9 मई को विक्ट्री डे पर युद्ध में बड़ी सफलता या युद्ध को और तेज करने की घोषणा देशवासियों के सामने कर सकते हैं। वेपन्स आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड which are needed for us to prevail in the battle for Donbas. If we had received those weapons weeks ago, we would have been in a much better position now, and we could prevent some tragic losses on the ground. I mean, the lives of our soldiers. Of course, the bleeding wound in the battle for Donbas is Mariupol. Despite all the statements by Russian officials that Mariupol is under their full control, this is not true. Azovstal, the stronghold, the last stronghold of Ukrainian resistance in Mariupol, still holds. रूस के ताजा अनुमान के मुताबिक करीब 2000 यूक्रेनी लड़ाके मारियुपोल के अजोवस्ताल इस्पात संयंत्र के नीचे बने सुरंगों और बंकरों की सुरक्षा कर रहे हैं। इनकी हार के साथ ही शहर यूक्रेन के हाथ से निकल जाएगा। पिछले 2 महीने में अजोवस्ताल लगभग मलबे में तब्दील हो चुका है। यहाँ ये समझना भी बेहद जरूरी है कि रूस अजोवस्ताल को क्यों तहस नहस करना चाहता है। जवाब है आर्थिक तौर पर यूक्रेन की कमर तोड़ने की चाहत। और इतना ही नहीं, न्यूज 18 के संवाददाता जनक दवे जहां पहुंचे वहां भी यही तबाही वाला मंजर है। फोरिंका में जर्मनी के एक बड़े वेयरहाउस को रूसी मिसाइलों ने निशाना बनाया। जर्मनी के रिश्ते इतने खराब नहीं है, बावजूद जर्मन कंपनी को निशाना बनाया। मकसद एक ही था रूसी सेना का कि कैसे यहाँ पर यूक्रेन को आर्थिक मोर्चे पर उनको चोट पहुंचाई जाए। ये तस्वीरें देखिए कितनी भयावह है, पूरी की पूरी कंपनी यहाँ तबाह हो गई है, एक भी चीज बची नहीं है यहाँ पर। ये जो लोहे के बड़े गडर हैं, वो पिघल गए हैं। यहाँ वो स्थिति क्या हुई होगी ये देखिए, पूरा का पूरा कंपनी एक कबाड़ में तब्दील हो चुका है यहाँ पर। और एयर स्ट्राइक की जा रही थी लगातार यहाँ पर, जो जानकार है आसपास का इलाका होरिंका का, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, केवल एक ही कंपनी को यहाँ पर निशाना बनाया गया। लगातार स्ट्राइक की जाती रही, एक विमान गुजर रहा था, दूसरा आ रहा था और लगातार उन पर हमले किए जा रहे थे। तो ये स्ट्राइक के चलते इस पूरी कंपनी को नुकसान पहुंचाया, पूरी तरीके से बर्बाद किया गया, लाखों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान है इस पूरी कंपनी को, क्योंकि लॉजिस्टिक वेयरहाउस है। जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आपको जो याद आ रही है, वो सारी जो यूक्रेन में आती है इसी लॉजिस्टिक वेयरहाउस में आती है, और उसके बाद से ही
वह यूक्रेन या यूरोपियन कंट्रीज में यहाँ से जाती है, तो इस कंपनी को निशाना बनाया गया। तस्वीरें देख लीजिए, कैमरामैन पंकज तोमर ने आपको तस्वीरें दिखाई, दोनों छोर में ये पूरा लंबा इसका जो फेज है वहाँ पर ये पूरी कंपनी का गोडाउन बना हुआ है, और कैसे इस जर्मन कंपनी को चुन चुन कर निशाना बनाया गया और पूरी तरीके से इस कंपनी को यहाँ पर आप देखें पूरी तरीके से तबाह बर्बाद होती हुई साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा रही है। यानी जहाँ कहीं भी रूस को लगता है कि यूक्रेन की इकोनॉमी को तबाह करने वाला किला मौजूद है, रूसी फौज उसे खत्म करने के लिए मिशन आगे बढ़ाती है। टैंकों का काफिला कुछ कर जाता है, हवा से जमीन तक एक के बाद एक मिसाइलों की बारिश कर दी जाती है। वो दिन मान कर चल रहे हैं कि जब तक यूक्रेन आर्थिक रूप से टूटेगा नहीं तब तक झुकेगा नहीं। Наши военнослужащие принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения для безопасной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий. Ежедневно открываются гуманитарные коридоры и объявляются режимы тишины. Азовсталь का स्टील प्लांट ही नहीं बल्कि मारियोपोल का बंदरगाह भी पुतिन की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। इसकी तबाही मतलब यूक्रेन के एक हिस्से में रूस का पूरी तरह से कब्जा। लेकिन परेशानी ये है कि ज़ेलेंस्की अभी जिंदा हैं और यूक्रेन की सेना इस बात पर तुली है कि मौत से पहले शहर को रूसी फौज के हवाले नहीं करेंगे। Безумовно, ми продовжимо робити все, щоб дістати з Маріуполя, з Азовсталі усіх наших людей. Це складно. Але нам потрібні всі. Всі, хто там залишається, і цивільні, і військові. Не було жодного дня, щоб ми не займалися цим питанням, щоб наші люди не намагалися вирішити це питання. नतीजा है कि अजोवस्ताल अपनी किस्मत पर आठों पहर आंसू बहाने के लिए विवश है। दूसरी ओर रूस की ओर से जो कहा जा रहा है वो जले पर नमक छिड़कने जैसा है। अजोवस्ताल के स्टील प्लांट में अब कुछ नहीं बचा। किसी जमाने में सोवियत संघ का यह स्टील प्लांट उसकी शान हुआ करता था। डिटेल में जानने पर पता चलता है कि अजोवस्ताल के इस स्टील प्लांट की चिमनी से पहली बार 1935 में धुआं निकलना शुरू हुआ। माना जाता है कि इसके कैंपस में 12,000 से ज्यादा वर्कर्स और उनके परिवार के रहने की जगह थी। इस फैक्ट्री में न्यूक्लियर बंकर तक होने की बात सामने आई है जो न्यूक्लियर अटैक होने की सूरत में वर्कर्स को बचाते हैं। 2005 में इस प्लांट से 5,906 मिलियन टन स्टील का प्रोडक्शन हुआ। ये यूक्रेन का तीसरा बड़ा स्टील प्लांट है जो पूरे यूक्रेन के स्टील प्रोडक्शन का 15% था। लेकिन अब तो गुजरे जमाने की यादें ही बची रह गई हैं। रूसी टैंकों के कहर ने यहाँ की चिमनियों को सदा के लिए बुझा दिया है। करीब 90 साल से दुनिया भर में स्टील सप्लाई करने वाली इस फैक्ट्री के सुनहरे इतिहास की कहानी अब सिर्फ इतिहास के किताबों तक ही सिमट कर रह गई है। लोहे को ढाल कर स्टील बनाने वाली फैक्ट्री जंग की भेंट चढ़ चुकी है। अजोवस्ताल पुतिन के आक्रोश की बलि चढ़ चुका है। मारियुपोल में पुतिन ने जो भी कमाया उसकी वजह से उन्होंने बहुत कुछ गवाया भी है, और इस वक्त ज़ेलेंस्की के पास एक ऐसी फोर्स पहुंच चुकी है जो रूसी सेना के जनरल्स और कमांडर्स को टारगेट कर रही है। इस फोर्स को मदद कई देशों से मिल रही है। आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि ज़ेलेंस्की की इस फोर्स को जनरल किलर क्यों कहा जा रहा है। और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जंग के ऐलान के साथ ही रूसी फौज पहले ही दिन से यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए बेकरार थी। लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ व्लादिमीर पुतिन का कीव पर कब्जे का मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा है।
क्यू पर रूसी फौज हर रोज कहर बरसा रही है, जिसका अंजाम ये हुआ है कि एक हंसता खेलता खिलखिलाता शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। रूसी फौज की दिन रात की बमबारी से लोगों के आशियाने एक पल में खाक हो रहे हैं और शहर की खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतें चुटकियों में मलबे में तब्दील हो रही हैं। लेकिन आसमान से बरसता रूसी फौज का बारूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर नहीं तो यूक्रेन से आई तस्वीरों पर जरा एक नजर डाल लीजिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि पिछले चंद दिनों में रूसी सेना की बमबारी के बाद यूक्रेन के शहरों और लोगों का क्या हाल है। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली कीव की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस हकीकत से अनजान नहीं है कि रूस की सेना यूक्रेन पर भले ही कब्जा कर ले, लेकिन जब तक कीव पर परचम नहीं लहराते तब तक ये जीत अधूरी है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कीव को बचाने की जंग जारी रखे हुए और इस जंग में उनका साथ दे रहे हैं यूक्रेन सेना के फौजी और यूक्रेन के आम लोग। आज की तारीख में कीव शहर कम लेकिन एक किला बन गया है और वो किला जिसे ढहाने में रूस की सेना अब तक नाकाम रही है। व्लादिमीर पुतिन भी इस हकीकत से अनजान नहीं है कि भले ही रूसी फौज पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमा ले, लेकिन जब तक वो कीव पर अपना परचम नहीं लहरा देती तब तक उनकी जीत अधूरी है। लिहाजा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी कीव को बचाने की जंग जारी रखे हुए हैं और उनकी इस जंग में यूक्रेन की सेना के फौजियों के साथ साथ कीव के आम नागरिक भी शामिल हो चुके हैं। आज की तारीख में यूक्रेन की राजधानी कीव एक शहर कम और एक किला ज्यादा नजर आ रहा है, एक ऐसा किला जिसे ढहाने में अभी तक रूसी फौज नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को तीन तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने भी शहर में अपनी मोर्चाबंदी के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। जंग शुरू होने से पहले रूसी सेना को लगा था कि यूक्रेन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चंद दिनों में ही घुटनों पर आ जाएंगे, लेकिन करीब तीन महीने की जंग के बाद भी रूसी सेना यूक्रेन के लोगों का हौसला और जज्बा नहीं तोड़ पाई है। दरअसल इस जंग में अमेरिका भले ही सीधी जंग नहीं लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका की मदद की बदौलत यूक्रेन अभी तक मैदान जंग में रूस के सामने डटा हुआ है। First, I would say the way that President Putin defined winning a war that he started from the beginning was taking over Ukraine, enveloping Ukraine into Russia, taking away their territorial integrity and their sovereignty. Clearly, that has not been successful. You know, he expected and was planning to be marching through the streets of Kyiv victorious next Monday. Clearly, that is not what is going to happen. He wanted this to be a moment to divide NATO, to divide the West. Clearly, that is not what is happening. एबीसी न्यूज के खबर के मुताबिक अमेरिका रूस और यूक्रेन की जंग में शुरुआत से ही यूक्रेन को हर मुमकिन मदद कर रहा है। एबीसी न्यूज ने अमेरिकी सेना के अधिकारियों के हवाले से खबर छापी है कि अमेरिकी खुफिया मदद के चलते यूक्रेन पुतिन की सेना पर बढ़त हासिल कर पाए हैं। अमेरिका और नेटो देशों की मदद से यूक्रेन ने पुतिन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल अमेरिका और नेटो देश रूस से जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को लगातार हथियारों और सैन्य उपकरणों की खेप भेज रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका जंग के दौरान यूक्रेन के साथ रियल टाइम खुफिया जानकारी शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेनी सेना को रूस के खिलाफ काफी मदद मिल रही है। इसके अलावा अमेरिका ने डोनबास इलाके में रूस के बैटल प्लेन के बारे में भी यूक्रेन को जानकारी दी थी। एबीसी न्यूज के मुताबिक अमेरिका के एक सीनियर अफसर ने दावा किया है कि अमेरिका रूसी सेना के मूवमेंट के बारे में यूक्रेन को खुफिया जानकारी दे रहा है और इसका फायदा उठाते हुए यूक्रेन ने कई रूसी जनरलों को मार गिराया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के करीब 9 फ्रंटलाइन जनरलों को मार गिराया है। Provide intelligence on the location of senior military leaders on the battlefield or participate in the targeting decisions of the Ukrainian military. The Ukrainians have, quite frankly, a lot more information than we do. This is their country, their territory, and they have capable intelligence collection abilities of their own. Ukraine combines information that we and other partners provide with the intelligence that they themselves are gathering on the battlefield. And then they make their own decisions.
एनबीसी की एक खबर के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को जंग के दौरान जो खुफिया जानकारी मुहैया करवा रहा है वो सैटेलाइट तस्वीरों की शक्ल में है। इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन की फौज को रूस की सेना की मौजूदगी के बारे में भी जानकारी दे रहा है, लिहाजा इस जानकारी की मदद से यूक्रेन को अपने एयर डिफेंस और एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाने में मदद मिली। लेकिन इसके ठीक उलट पेंटागन ने बाकायदा ये ऐलान किया कि अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन को खुफिया जानकारी दे रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 70 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं। इस युद्ध में न तो रूस जीतता नजर आ रहा है और न ही यूक्रेन हारता। हालांकि रूस के परमाणु हमला करने का अभ्यास ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के टेंशन को जरूर बढ़ा दिया है। रूस ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन में सैन्य अभियान के बीच रूसी सेना ने कलीनिनग्राद के पश्चिमी एनक्लेव में नकली परमाणु सक्षम मिसाइल हमले का अभ्यास किया है। कलीनिनग्राद बाल्टिक सागर के किनारे स्थित रूस का एक अहम रणनीतिक सैन्य अड्डा है। ऐसे में कलीनिनग्राद में परमाणु मिसाइल के हमले के अभ्यास से पूरा यूरोप खतरे को महसूस कर रहा है। लेकिन रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एलेक्सी चैत्सेव का कहना है कि रूस जंग के दौरान यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। Нам приходится быть готовым к любому развитию событий в медиаполе и непосредственно на земле. Нам неоднократно приходилось, как я уже сказал, опровергать инсинуации, возможно, применение со стороны России в ходе специальной военной операции на Украине ядерного оружия. Это намеренная ложь. Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана. रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान अमेरिका के अलावा कई नेटो और यूरोपीय देश यूक्रेन को हथियार मुहैया करवा रहे हैं। इसी कड़ी में जर्मनी की रक्षा मंत्री ने भी ये ऐलान किया है कि जर्मनी यूक्रेन को रूस के खिलाफ 7 होवित्ज़र तोपें देगा। इतना ही नहीं, अब अमेरिका यूक्रेन को जंग का बादशाह कहे जाने वाली घातक तोप M777 दे रहा है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को 90 M777 तोपें दे रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस अमेरिकी तोप के यूक्रेन की सेना में शामिल होने के बाद अब रूसी सेना को खुले में आना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अब तक यूक्रेन को 155 mm की 70 M777 तोपे और 70,000 गोलों की सप्लाई कर दी गई है। यूक्रेन के 200 सैनिकों को इन तोपों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद 50 और यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यूक्रेन के तोपखाने रेजिमेंट के पहले जत्थे को कनाडा के सैनिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रीय गार्ड भी इन तोपों को चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यूक्रेन को अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों से मिल रही सैन्य मदद पर संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने आरोप लगाते हुए कहा कि दुनिया के कुछ देश यूक्रेन को जरिया बनाकर रूस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और रूस के खिलाफ परोक्ष रूप से जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन पर मौजूदा हमले में रूस का असल मकसद था यूक्रेन के कैपिटल कीव समेत दूसरे बड़े शहरों पर जल्द से जल्द कब्जा करना और इसके बाद ज़ेलेंस्की सरकार का इस्तीफा। लेकिन इस मकसद में रूस साफ तौर पर नाकाम रहा है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन इन दोनों ही देशों की सेनाओं के मनोबल में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन के लोग अपने देश के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन के सैनिकों की तादाद रूस के सैनिकों के मुकाबले कहीं कम है, लेकिन बावजूद इसके वो अपने हथियारों का इस्तेमाल रूसी सेना की तुलना में बेहतर तरीके से कर रहे हैं।